स्वीटी क्या हुआ बेटा? डोंट डिस्टर्ब मी, मैं कुछ सोच रही हूँ। अच्छा, और वो क्या है? मैं ये सोच रही हूँ कि लोग सोचते सोचते पागल कैसे हो जाते। स्वीटी दीदी, पागल होने के लिए आपको सोचने की क्या जरूरत है? आप तो गॉड गिफ्टेड हो। अरे राधिका अभी तक नहीं आई। अरे मम्मी आज आवेगी। वो केड़ा आज उनकी पहली सैलरी का दिन होवे। आज तो राधिका की जेब गरम होगी। किसकी जेब में कब कितना पैसा आने वाला है इनको सब पहले से मालूम पड़ जाता है ना। और नहीं तो के बापू, यो सपना पॉकेट मार लोगों के साथ दोस्ती करने का असर से। अरे अपना वो दोस्त है ना गफूर ब्लेड वाला, अरे कचोरी गली से लेकर बनारस यूनिवर्सिटी तक सबके जेब का हिसाब हो वैसे उसके पास। अरे दिन रात तो बस वो यही प्रार्थना करता है कि मालिक सबकी जेब में माल दे और मारी ब्लेड में धार दे। चकरा, इसमें कौन सा हंसने की बात है? कोई आ गया। क्या करूं हौले हौले जो मेरा दिल गा रहा है, क्या करूं धीमे धीमे से नशे में जो है जिंदगी। हेलो, हाय, ये कोई आने का वक्त है? पता है मम्मा डैडी और सब लोग कितना वेट कर रहे थे। और एक मिनट, तू तो कोचिंग क्लासेस पढ़ाने जाती ना चश्मेश, ये तूने सेल्स गर्ल्स का काम कब से शुरू किया? हाँ बता। अरे पागल, ये सब चीजें हम सब के लिए ही है। आजा चल, आजा। अरे राधिका, पूरा का पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर उठाकर ले आई क्या? आज मेरी तनख्वाह का पहला दिन है, तो खाली हाथ घर आ जाती तो अच्छा नहीं लगता ना। तो दिखाइए क्या लेकर आई है। ये हम तीनों के लिए ड्रेस मटेरियल। पापा ये आपके लिए शर्ट, कहाँ जरूरत थी। और ये मम्मी के लिए साड़ी। So pretty! लाल कलर इस उम्र में हम पर जचेगा नहीं। तुम्हारे लिए नहीं है, बीना के लिए है। ओ हाँ, हम तो मर गए हैं ना, तो भूल ही जाते हैं। थोड़ा बादाम खाओ ना तो याद रहेगा। मेरे लिए क्या लाए? जर्नलिस्ट के लिए ना कैमरा बहुत जरूरी होता है, तो छोटी ये ले, तेरे लिए मिनी ऑटोमेटिक कैमरा, ये ले। ये हुई ना बात।